और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोस्त और मखाने की खीर। पोस्त को खसखस भी कहते हैं और पॉपी सीड भी बोलते हैं। पोस्त की खीर आप सिर्फ सर्दियों में ही बनाएं क्योंकि पोस्त बहुत गर्म होती है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 10 बादाम 2 पीस में, 4 छोटी इलायची कुटी हुई, 50 ग्राम देसी घी, 10 काजू 2 पीस में और 1 चम्मच पिस्ता, 1 कटोरी मखाने, 100 ग्राम चीनी और 50 ग्राम पोस्त जिसको कि मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, 1 लीटर दूध। पैन के गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे देसी घी और इसको मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट होने के बाद काजू और बादाम को इसमें डालकर हम फ्राई कर लेंगे। गैस को बिल्कुल हल्का रखना है और धीरे धीरे चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे। काजू और बादाम दोनों में स्पॉट आने लगे हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और बचे हुए घी में डाल देंगे मखाने और इसको भी हम धीरे धीरे भूनना शुरू करेंगे जब तक ये घी बिल्कुल सोख नहीं लेता है और थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको लगातार भूनते रहेंगे। मुझे इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देखेंगे कि इस पर स्पॉट आने लगे हैं और घी सारा हमारा इसने सोख लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब फ्लेम को हाई करके दूध को उबलने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध बॉयल होने लगेगा गैस को कर देंगे हल्का और इसमें डाल देंगे भीगी हुई पोस्त और धीरे धीरे इसको चलाना शुरू करेंगे। चमचे का किनारा तली पर बिल्कुल लगना चाहिए ताकि पोस्त हमारी नीचे चिपके ना। इस तरह से इसको चलाते रहेंगे और जब तक हमारी पोस्त फूलेगी नहीं जब तक इसको लगातार चलाना है हमें। मुझे इसको चलाते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे मखाने, काजू और बादाम ताकि ये अच्छे से पक जाएं और खीर हमारी गाढ़ी होने लगे। खीर को चलाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि मखाने भी इसके सॉफ्ट होने लगे हैं और दूध भी हमारा गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें डाल देंगे चीनी, साथ ही डाल देंगे कुटी इलायची और फिर से इसको चलाना शुरू करेंगे। इसको मैंने 3 से 4 मिनट और पकाया है। आप देखेंगे कि खीर अब गाढ़ी होने लगी है। अब गैस को कर देंगे बंद और 10 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। आप देखेंगे खीर हमारी और ज़्यादा गाढ़ी और थिक हो चुकी होगी। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट होने के बाद मैंने इसको बोल में सर्व कर लिया है। तो आपने देखा हमने इसको कितनी आसानी से बना लिया और अब ये गाढ़ी भी होने लगी है। अब पिस्ते से इसको गार्निश करेंगे और फिर सर्व करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।